क्या हाल है आप सबके? उम्मीदें खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज हम बनाने लगे हैं बैगन। ये बैगन हैं ग्रीन कलर के हैं और ये हमने लिए हैं 3 अदद। इनको हमने ऐसे काट लिए हैं और ये काले होना शुरू हो गए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है तो इनको जल्दी पका लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, वरना ये सारे ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। और अब हम बैगन डाल रहे हैं इसमें, इनको फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। जो इसे थोड़ा 5 मिनट तक पकाना है, जब ये अच्छे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये अच्छे से हो गए हैं और हम इनको निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। हमने इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया है हमने और इसको भी साथ में पकाएंगे। ये लाइट ब्राउन हो गई है प्याज। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वन टी स्पून रेड चिली। हाफ टी स्पून हल्दी। वन टी स्पून सॉल्ट और उनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमने डाला है थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बैगन जो हमने फ्राई करके रखे थे। ये हमने बैगन डाल दिया है और अभी हम ये टमाटर डाल रहे हैं। और इसको ढक के रख देंगे हम 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और ये हमारे मज़ेदार बैगन तैयार है। और ये गर्मा गर्म बैंगन तैयार हैं जी। ये गर्मा गर्म बैंगन तैयार हैं। रोटी या नान के साथ आप लोग खाएं और मज़ा करें और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।